तो दोस्तों ये हो गया हीरो होंडा स्प्लेंडर, ठीक है ना। करीब 20 साल का पुराना इंजन, 2002 मॉडल। तो इसका अभी हम लोग हेड बोलो इंजन निकालते, ठीक है ना। इसका साउंड था टिक 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 टिक, अभी देखते कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो इधर आओ, थोड़ा कैमरा पकड़ो। तो सारा नट बोल खुल दे दोस्तों, और फटाफट से हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। ऐसे ही निकालेंगे। तो हेड हम लोग निकाल दिए, हेड हम लोग नहीं खुलेंगे, ठीक है ना। हेड ऐसे रहेगा। नजदीक से देखा देखा जाता है ना, थोड़ा इसको घुमाना पड़ेगा भाई। इधर घूमने मत देना, रहने दो, गिरने दो, कोई बात नहीं। घुमाओ, ये पकड़ो अच्छा से। तो दोस्तों थोड़ा सा पिस्टन भी हिलता है, ठीक है ना, पिस्टन हिलता है। चलो कोई बात नहीं, तो आप इसको निकालते हैं। सिलेंडर निकल गया, आप पिस्टन गजल पिन का, मतलब पिस्टन पिन का जो है ना लॉक खुलना होगा, गजल पिन का लॉक। तो पिन टेस्ट लाओ। तो दोस्तों लॉक को खोल ले, पिस्टन भी निकाल ले। ऑयल ही दोनों एक जगह ना जा, मगर धुआं जो धुआं होता ना, व्हाट इज नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब रिंग में दोम था, यहाँ पे लिखा है उषा, यहाँ पे देखा थोड़ा। तो दोस्तों 50 का लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा है उषा का, ठीक है ना, उषा 50। तो हम देखते हैं अच्छा से। देखो 50 यहाँ पे लिखा है, 50 ऐसे देखो कितना है। तो शायद 50 ही होगा, देख ले आप ये के रंग ना। तो दोस्तों इसमें देखिए साइड पहले भी है, और ऐसे सीधा डॉग भी है, ठीक है ना, खारा डॉग जिसको बोलते हैं, ये भी है। तो हम लोग को के रंग खोलना पड़ेगा। टाइम मेरे को आइडिया हो गया था, 50% पिस्टन में आवाज़ था, 50% कनेक्टिंग में। तो हम लोग फटाफट से इसको ओपन करते हैं। हो सारा नटबोल्ट खुल गया ना इधर का, ठीक है। टूटना पड़ेगा भाई, थोड़ा बहुत तो टूटना पड़ेगा। टाइम से करते तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हथौड़ा मारना पड़ेगा, ऐसे पकड़ो, लाइट का जरूरत नहीं। तो दोस्तों करंट चला गया, लाइट हटा दो ना, पल्ला पकड़ो, नीचे वाला चाप के रखे। तो दोस्तों पल्ला अभी हम लोग उठा दिए, ठीक है ना। बहुत आदमी वो पल्ला उठाते, हमें उठाते, उससे कोई लेना देना नहीं, हमको ऐसे आसान नहीं होता है तो खुलते, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे अभी केरानी, पैकिंग भी उठाना पड़ेगा, सारा पास यहाँ से निकाल दे। सिर्फ हम लोग को काम करना है, ओ भाई लॉक खुलना है क्या, लगते लॉक खुल गया, लॉक खुल गया। तो हम लोग रखते हैं मिनट में, केरान को उठाते हैं। मेन जो प्रॉब्लम है दोस्तों, देखिए इसका साउंड, ए टिक 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 टिक, 50% इसमें और 50% पिस्टन में, ये लूज हो गया था। तो दोनों हम लोग क्या उषा कंपनी का लगाएंगे, ठीक है ना, श्री राम उषा ऐसा ही कनेक्टिंग लगाएंगे, दोनों बेरिंग दोनों डाल देंगे, और पिस्टन गोएज या उषा का लगाएंगे, ठीक है ना। और हम लोग का पास जो ये था ना दोस्तों, देखिए हम पहले 6 महीना पहले हम खरीद करके रख देते, ये जो कटोरा ना ये थोड़ा प्रॉब्लम है, घाट बन गया और बहुत पुराना, बीच में एक बार रिपेयर किए थे। तो हम करीब 6-7 महीना पहले नया खरीद करके रख दे दोस्त। ये देखिए 1100 रुपया इसका कीमत है, 1100 रुपया, देखिए ओरिजिनल हीरो कंपनी का, ठीक है ना, ये तो हीरो होंडा का सेम ही होता है। इसका क्लास का बूस्ट भी रख दे, 200-250 रुपया दाम है इसका, 200-250 रुपया बूस्ट का, करीब 1300 का कीमत है इसका, 1300-1400 ये दोनों का, ठीक है ना। ये पुराना वाला हटा देंगे, नया वाला लगा देंगे, हम लोग का पास है होलसेल भी लगा देंगे। और दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, मेरे आदमी को भेजेंगे इकेरांग। तो दोस्तों देखा जाता है क्या, ये केरांग लेके भेजेंगे, और ये सिलेंडर बोलो, ठीक है ना, और ये सब हम फटाफट से सब वॉश वॉश करके रखते हैं। तो मेरे आदमी को भेजेंगे किसानगंज। तो दोस्तों वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, सारा इंजन यहाँ पे पार्ट पूर्जा खुला हुआ है, ठीक है, ठीक है ना, पूरा देखा जाते ना दोस्तों। तो उधर चलो थोड़ा गाड़ी, तो दोस्तों यही गाड़ी होगा स्प्लेंडर, हीरो होंडा स्प्लेंडर, मेरा एकदम पुन्ना परमानेंट दोस्त है। तो इसका अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा मेंटेनेंस करना पड़ेगा,
केरंग बनाए थे, केरंग बनाए से नए भी चलेगा दोस्तों 3 साल, ठीक है ना, नए भी चलेगा केरंग 3 साल, और पिस्टन का बारे में नहीं बोल पाएंगे साल 2 साल जितना चलेगा, मगर केरंग नए भी चलेगा 3 साल नहीं तो 5 साल, 3 से 5 साल इंजन फुल इंजन, जैसे इंजन बना देंगे 3 से 5 साल चलेगा, पिस्टन 2 साल आराम से चलेगा। तो हम लोग अभी मेरे आदमी को भेज देते हैं किसान का, फिर आज ही फिटिंग करेंगे, ज्यादा टाइम लेगा किसान अप एंड डाउन 2 घंटा, और हम लोग का फिटिंग करने में मान चले 1 घंटा लगेगा, ठीक है ना, हम लोग इसको भेजते हैं।